बाढ़ग्रस्त परिवार का पुनर्वसन कर उन्हें स्थायी पट्टे दिए जाए, ऐसी मांग राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष के प्रदेश सरचिटनीस अतुल वांदिले ने निवेदन द्वारा उपविभागीय अधिकारी शिल्पा सोनोले ने की है। भोपापुर में 1994 से बाढ़ग्रस्त परिवार पुनर्वसन से वंचित होकर उनका पुनर्वसन कर स्थायी पट्टे दिए जाए, ऐसी मांग राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष के प्रदेश सरचिटनीस अतुल वांदिले ने निवेदन द्वारा उपविभागीय अधिकारी शिल्पा सोनोले ने की है। जुलाई महीने में वर्धा जिले में बरसात जोरदार थे, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ। सैकड़ों गांवों का संपर्क टूटा था। इसी में भोपापुर के कई लोगों के घर में पानी जाने से उनका नुकसान हुआ। तभी प्रदेश सरचिटनीस अतुल वांदिले ने भोपापुर में बाढ़ग्रस्त भागों का निरीक्षण करते हुए जायजा लिया था। बाढ़ग्रस्त परिवार पुनर्वसन से वंचित है, उनका पुनर्वसन कर उन्हें स्थायी पट्टे दिए जाए, ऐसी मांग राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष के प्रदेश सरचिटनीस अतुल वांदिले ने उपविभागीय अधिकारी इन्हें निवेदन द्वारा की है। इसमें जिला सरचिटनीस दशरथ ठाकरे, अमोल बोरकर, अविनाश पाटिल बाघ, पूर्व सरपंच प्रशांत घवघवे, सुनील भूते, किशोर सांभारे, नितिन भूते इन आदि के साथ बाढ़ग्रस्त नागरिक उपस्थित थे।